ये शायद से कुछ बच्चे हैं जिन्हें हमें रिहा करना होगा। तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? ओके। दूसरी गाड़ी। उनके लौटने से पहले जाऊं? ऑलराइट। तो बच्चों से हमने पूछा है कि तुमने हमारे भाई को देखा है, तो वो बोल रहे हैं वो दूसरी गाड़ी में है तुम्हारा भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेमप्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम गेम खेलने वाले हैं जो कि है अपना राजी एन एंशियंट एपिक। तो यार इस गेम की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये गेम बना है अपना इंडिया के अंदर, मतलब हमारे इंडिया में ये गेम बनाया है, डेवलप्ड बाय इंडिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार, ये गेम होने वाला है अपना ऑल इन हिंदी, मतलब इस गेम के अंदर जितनी भी बातें होंगी सारी हिंदी में होंगी। हमारी मर्जी, अगर हम चाहें तो इंग्लिश में भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई क्यों, अगर हिंदी में मिला है तो हिंदी में ही करेंगे। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना गेम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे से मेरे ख्याल से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमारा कैरेक्टर अभी उठ चुका है, यानी राजी उठ चुकी है। ओके यार, गेम में काफ़ी मज़ा आ रहा है सही में। मुझे माफ कर दो भाई। ऑल राइट, अभी मैं चला सकता हूँ कैरेक्टर को। ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तो हमारा जो कैरेक्टर है यानी राजी अपनी जो हुआ है मतलब नॉर्मल स्पीड में चल रही है, तो मे बी आगे जाकर हम स्प्रिंट भी कर पाएंगे। तो ठीक है, गेम यार काफ़ी सही है और ग्राफिक्स भी काफ़ी ऑसम आ रहे हैं सही में। यार मेरे ख्याल से ये पहला गेम है जो मैं खेल रहा हूँ जो इंडिया में बना है, और ये काफ़ी ऑसम लग रहा है मेरे को यार सही में। ओके, अभी स्प्रिंट कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता, अभी लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो मैं स्प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो आराम से जा रहे हैं हम, लेकिन जैसा भी चल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक। ओके, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी रिलेटेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल घर का गेम खेल रहा हूँ। ऑलराइट, तो हमारी राजी ने स्प्रिंट करना शुरू कर दिया है। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी फील ऐसी आ रही है जैसे मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहा हूँ, तो आई होप सो कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। ओके लेट्स सी। ओके एक बच्ची। ऑलराइट, शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर। ओके, तो हमारे बारे में शायद से कोई बात कर रहा है और वो बोल रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं। शक्तिशाली है। ओके, ये तो समय बताएगा। ऑलराइट, तो अभी कोई बोल रहा है कि ओके, तो शायद से मैं भी माँ दुर्गा की जरूरत पड़ेगी, माँ दुर्गा की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। तो शायद सोचता है ब्लैक मैजिक यानी कुछ बुरे लोगों से लड़ने के लिए माँ दुर्गा की जरूरत पड़े या उनकी शक्तियों की जरूरत पड़े, देखते हैं अभी। ओके लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ओके, ये शायद से अपनी राजी है, हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ी सी पावर वगैरह मिल जाए यार, जिससे हम आगे जाके सरवाइव कर पाए गुंडों से। ये शायद से माँ दुर्गा ने हमें उठा रखा है यहाँ पर। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी माँ दुर्गा हमसे ये बोल रही हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी माँ दुर्गा बोल रही हैं कि हमें दिया है माँ दुर्गा ने एक त्रिशूल, और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। ओके। तो माँ दुर्गा ने भी हमें एक त्रिशूल दिया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बता रही है। और वो ये बोल रही है कि सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये जो है उसकी राजी की हेल्प करेगा राजी के भाई को बचाने में। काफ़ी सही लग रहा था लेकिन एकदम गायब हो गया, शायद से वो तभी नज़र आएगा जब हम गुंडों से लड़ेंगे। तो लेट्स सी यार, बड़ा काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी तक तो। ऑल राइट, आगे मुझे शायद से स्पेस करके जाना पड़ेगा। ओके, ऑल राइट शांत नहीं है वो, दिल से सोचती है। ऑल राइट, बिल्कुल प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली फीलिंग आ रही है यार गेम खेलते हुए। ओके। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो सकता है शायद से कुछ गुंडे वगैरह आ जाए, नहीं लेकिन फिलहाल तो मैं क्लाइंबिंग करनी है। ओके, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार गेम खेलने में, बिल्कुल प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन ये सोचकर खुशी हो रही है कि ये गेम अपना इंडिया में बना है तो एकदम प्राउडली खेल सकते हैं इस गेम को। ओके, ये जंप भी कर सकती है अलग अलग तरीके से। ओके, मुझे पता ही नहीं था ये प्रिंस ऑफ पर्शिया से भी नेक्स्ट लेवल की लड़की लग रही है मुझे कोई। ओके, शायद से नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जंप ओके मैं कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ से मुझे एक एक करके सामने जाना पड़ेगा, तो ऑलराइट मुझे इस तरीके से जाना था, मुझे पता ही नहीं था। खैर, मुझे पता नहीं था मतलब ऊपर चढ़ जाएगी ये बिल्कुल इसके पिलर के। तो फाइनली हम चढ़ चुके हैं और अब यहाँ से शायद से यहाँ से ऊपर नहीं सामने वाले पिलर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ये आ गए भाई हम फाइनली। ओके, डर लग रहा है भाई थोड़ा सा। अबे नहीं,
ओके, तो फाइनली शायद से मैं अब यूज टू हो चुका हूँ इसे खेलने का, और आई होप कि इस बार मैं मतलब सेकेंड टाइम आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन अब तो आदत सी हो गई थोड़ी थोड़ी सी, मतलब ऐसे भी दो तीन मिनट ही हो गए हम स्टार्ट हुए हुए और आदत भी हो गई है खैर, क्योंकि ये प्रिंस ऑफ पर्शिया टाइप है। देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है। ओके, और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना। तो माँ दुर्गा भी हमारे बारे में बात कर रही हैं, और जो भी हमारे बारे में मतलब एक थोड़ी सी इनोसेंट वाली चीजें वो बता रही हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना। ओके, तो राजी, ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, तो माँ दुर्गा बोल रही है कि राजू को उसके भाई को बचाने के लिए सामना करना पड़ेगा डीमंस का। ऑल राइट, इसे ब्रह्मा विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था, और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। ऑल राइट ऑल राइट, तो अब हमारा होने वाला है मुकाबला डीमंस से। ओके, तो राजी ने त्रिशूल घुसा दिया। एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। ओके, धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली हमारे पास त्रिशूल भी नजर आने लग गया है, और ये शायद से कुछ बच्चे हैं जिन्हें हमें रिहा करना होगा। तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? ओके, ऑल राइट, तो बच्चों से हमने पूछा है कि तुमने हमारे भाई को देखा है, तो वो बोल रहे हैं वो दूसरी गाड़ी में है तुम्हारा भाई, तो अभी हमें कोई दूसरी इस तरीके की कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। ओके, मुझे इसे पुल कर, ओके, खींचना है, क्या करना है, शायद से पुश करना होगा मे बी, नहीं ये खुल ही नहीं जाए गेट, मुझे शायद से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके, मैं आया कहाँ से था मुझे ये याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, शायद से यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ मे बी, तो अभी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ तो मैं शायद से पहले नहीं गया हूँ प्रोबेबली। ओके, यहाँ तो मैं आया ही नहीं हूँ, ठीक है, काफ़ी मज़ा आ रहा भाई गेम खेलने में यार, बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सही गेम है। तो मेरे ख्याल से पूरी स्टोरी इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है कि हमें अपने भाई को बचाना होगा और मॉन्स्टर से, जो काली शक्तियाँ हैं डीमन से, उनसे लड़ना होगा। युद्ध के नगाड़े जैसी। ओके, तो अभी हमारी प्रैक्टिस चलने वाली है थोड़ी सी। तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे भाई यहाँ पे। ऑल राइट, मैं समझ गया। ये ले भाई अपना, और ओके, स्पेस से मैं जा सकता हूँ पास में चीज़ों के, जहाँ मुझे अटैक करना है। ऑल राइट, तो फिर से अटैक करते हैं। ओके, ऑल राइट, पर यहाँ पे तो यार ये पुतले आ ही जा रहे हैं जिन पे मैं अटैक कर रहा हूँ, मतलब अभी तक प्रैक्टिस जिन पे कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे कुछ और भी करना है मुझे, जो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया अब तक। ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पे होल्ड करके मारना था। ओके, ठीक है, एक मिनट, ऑल राइट, इस पर अटैक करना होगा शायद से, नहीं, एक मिनट, मुझे इसे सीक्वेंशली करना होगा। अब सीक्वेंशली कैसे करना है, पहले तो यहाँ पे त्रिशूल गाड़ना है, और त्रिशूल गाड़ने के बाद, नहीं यार, इस पे कैसे अटैक करूं मैं। ऑल राइट, ठीक है, अब समझ में आ गया है मेरे। ये ले भाई, ओके, ये ले, नहीं, कैसे, एक मिनट, ओके, फाइनली स्पेस बार। ओके, तो इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा हमें, अभी हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइप चल रही है, अभी हमें इससे लड़ना पड़ेगा। ओके, अभी रियल वाला गुंडा आ चुका है, मैं सही सोच रहा था। एक मिनट, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली फीलिंग आ रही है भाई, ये गुंडे कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बिल्कुल डीमन है यार भाई। अभी मैं सही बताऊँ तो मुझे लड़ने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, तो अभी अगर मैं हार जाऊँ तो आई एम सॉरी यार, एडवांस में सॉरी बोल दिया। अबे निकलने दे भाई, बाहर निकलने दे। ओके, मैं इसको शायद से इस वाले तरीके से मार सकता हूँ मे बी, इसकी एनर्जी कायम मुझे दिख ही नहीं दी है। ओके,
करेगी। तो फाइनली हमने एक गुंडे को तो मार दिया यहाँ पे। एल शिफ्ट ओके। तो यहाँ पे हमें ये डोर अनलॉक करना पड़ेगा। दरवाजा है बहुत बड़ा। ओके असुर, असुर शायद से कोई डीमन हो सकता है। ऑल राइट, तो अभी असुर शायद से कोई डीमन होगा जिसको हमें मारना पड़ेगा। ओके यहाँ पे पजल आ चुकी है जिसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ऑल राइट ठीक है, अभी एक पजल है जिसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा शायद एफर्ट लगाना है हमें यहाँ पे। ओके इसके बाद अपना ये हो गया फाइनली। ओके फाइनली ओके, तो ये इस ओके हमारी राजी की और ये गोलू की पिक्चर थी जिसे हमें एक पजल दे रखी थी जिसे सॉल्व करना था, और फाइनली हमने कर दी है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। शायद होता कुछ अनलॉक हो गया हो, तो अभी देखते हैं यार क्या अनलॉक हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आ तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, और मुझे कॉमेंट में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी। मतलब यार ये वीडियो एकदम ऑसम वीडियो थी, क्योंकि यार ये गेम भी अपना इंडिया में बना हुआ गेम है, इंडिया डेवलप्ड किया गया इंडिया में, और अपना हिंदी में गेम, तो ऑसम बिल्कुल एकदम मज़ा आ रहा था, कनेक्ट हो पा रहे थे गेम से बिल्कुल। कमेंट करके बता देना गेम आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।